एनिमल किंगडम में हर रोज ना जाने कितने मासूम जानवर खुकार शिकारियों द्वारा मार दिए जाते हैं और कुछ शिकारी इतने खतरनाक होते हैं कि वह अपने शिकार को जिंदा ही नोक नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। वैसे भी जंगल का कानून कहता है कि यदि जिंदा रहना है तो एक दूसरे को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले पल आप खुद ही किसी खतरनाक शिकारी के शिकार हो जाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ खतरनाक मूवमेंट दिखाने वाले हैं, तो आज आपको वीडियो में मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लायन ईट्स जेब्रा अलाइव। जेब्रे के झुंड के बीच में एक शेर आ जाता है और जेब्रा का झुंड वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और शेर एक जेब्रा को अपने मजबूत जबड़ों के साथ पकड़ देता है और जेब्रा उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शेर के आगे जेब्रा की एक भी नहीं चलती और देखते ही देखते और शेर वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मिलकर इस जेब्रा को मारते हैं और जेब्रा अपने पैर मारता रहता है, लेकिन इतने शेरों के बीच अकेला जेब्रा क्या कर पाएगा। और देखते ही देखते शेर इस जेब्रा का पेट फाड़ देते हैं और जेब्रा को मौत के घाट उतार देते हैं और शेर यह साबित कर देता है कि जंगल का सिर्फ एक ही राजा है, वह है शेर। बैबून ईट्स इम्पाला अलाइव। बैबून कितने खतरनाक होते हैं ये तो आपको पता ही है। इस वीडियो क्लिप में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक बैबून ने एक इम्पाला की बीबी को जिंदा ही पकड़ लिया है। और बैबून इतने खतरनाक होते हैं कि इससे भी अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े खूंखार शिकारी भी डरते हैं। इधर बैबून ने एक इम्पाला की बीबी को पकड़कर उसको मार दिया है और उसको वहाँ से दूर ले जाता है और वहाँ बैठकर उसको खाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वहाँ पर अन्य बैबून आते हैं तो वह उनको भगाने में कामयाब हो जाता है और वह अकेले ही इस इम्पाला का भोजन करना शुरू कर देता है और दूसरा बैबून यह सब कुछ देख रहा होता है और उसकी हिम्मत नहीं कि वह इसके पास जा सके। चीता एंड हाइना ईट्स इम्पाला अलाइव। इधर दो चीताओं ने एक इम्पाला को पकड़ लिया है और दोनों के दोनों इसको घायल कर देते हैं और इसका पेट फाड़ देते हैं और इम्पाला अभी भी दर्द के मारे तड़प रहा है। लेकिन जब हाइना को यह पता चलता है कि दो चीताओं ने एक इम्पाला को पकड़ लिया है तभी वहाँ पूरे का पूरा हाइना का झुंड उन चीताओं पर टूट पड़ता है और उस शिकार पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। इधर इम्पाला अभी भी जिंदा होता है लेकिन हाइना इसका जिंदा ही पेट फाड़ना शुरू कर देते हैं और इम्पाला दर्द के मारे चीख पुकार रहा है और हाइना को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अभी जिंदा है या मर गया है। और देखते ही देखते पूरा का पूरा झुंड इसको मौत के घाट उतार देता है। वाइल्ड डॉग्स ईट्स वार्थॉग अलाइव। इधर जंगली कुत्तों के झुंड ने एक वार्थॉग को पकड़ लिया है। वार्थॉग इनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन जंगली कुत्तों के झुंड ने इसको इस कदर घायल कर दिया है कि यह अब भाग भी नहीं सकता और सभी के सभी जंगली कुत्ते इसको जिंदा ही नोच देते हैं और अभी इन्होंने इसकी पेट को फाड़ दिया है और इसके पेट के अंदर से इसके मांस को निकालकर खाना शुरू कर देते हैं और वार्थॉग दर्द के मारे तड़प रहा है। लेकिन जंगली कुत्तों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अभी जिंदा है या मर गया है और सभी के सभी इस वार्थॉग को जिंदा ही अपने भोजन में शामिल कर देते हैं। ये इतने खतरनाक दरिंदे की अभी भी वार्थॉग जिंदा है और सब मिलकर इसको मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को देखकर
आपको समझ आ ही गया होगा कि एनिमल किंगडम में किस तरीके से खूंखार शिकारी मासूम जानवरों का जिंदा ही नोच नोच कर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। वैसे आपको कौन सा हमला सबसे घातक लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।